हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम नीलेश रंजन है और आज हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के चैप्टर में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ने से पहले एक बार गुडविल के बेसिक्स के बारे में हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। गुडविल एक इनटैंजिबल एसेट्स है, अमूर्त संपत्ति है, मतलब इसे देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता। तो गुडविल है क्या? तो एक बिजनेस का जो नाम होता है, बिजनेस की जो ख्याति होती है, जो पहचान होती है, लोगों के बीच में जो क्रेज होता है, उसी को हम गुडविल बोलते हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम सुने हैं, उनके सामान लेने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं, तो उसी चीज को हम गुडविल कहते हैं कि एक बिजनेस के प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए, सर्विसेस को प्राप्त करने के लिए एक आदमी कितनी मेहनत कर रहा है, कितना पैसा पे करने के लिए तैयार है, उसी चीज को हम गुडविल बोलते हैं। तो उसका नाम, उसकी वैल्यू, नाम की वैल्यू। तो गुडविल एक इनटैंजिबल एसेट्स है और AS 26 के अनुसार अगर गुडविल के लिए कोई पैसा पे किया गया है तभी गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अगर गुडविल के लिए हमने कोई पैसा नहीं पे किया है तो उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो इस हिसाब से गुडविल को दो भाग में बांटा गया है, दो टाइप में बांटा गया है। एक होता है परचेज्ड गुडविल और दूसरा होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज्ड गुडविल वो जिसके लिए हमने पैसा दिया है और जिसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो जिसके लिए हमने कोई पैसा नहीं दिया है, हमने खुद की मेहनत से उसको जनरेट किया है और उसको हम बुक्स में नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो जो परचेज गुडविल होता है उसको बुक्स में दिखाते हैं, उसके अलावा जो भी गुडविल होता है उसको बुक्स में नहीं दिखाते हैं। तो ये तो है गुडविल का बेसिक। अब बात आती है कि जब पार्टनर रिटायर होके जा रहा है उस वक्त हम गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या एडजस्टमेंट क्यों करेंगे। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब कोई पार्टनर आता है, ठीक है, तो हम उससे गुडविल का पैसा मांगते हैं कि हमारे बिजनेस का नाम है, उसके बदले में भी आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा। अपना शेयर इन प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए जो पार्टनर आता है उसको गुडविल देना पड़ता है। तो उसी तरह अपना शेयर इन प्रॉफिट छोड़कर जाने के लिए रिटायरिंग पार्टनर को भी गुडविल में हिस्सा दिया जाता है। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि इतने दिन से बिजनेस में जो काम रिटायरिंग पार्टनर ने किया है या बाकी सभी पार्टनर्स ने मिलकर किया है, उसके वजह से जो बिजनेस का नाम जनरेट हुआ है उसमें उसका भी तो हिस्सा है। वो एक अगर संपत्ति है तो उसमें उस रिटायरिंग पार्टनर का भी हिस्सा है, इसीलिए उसको गुडविल में हिस्सेदारी रिटायर करने के समय दी जाती है। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया कि क्यों गुडविल दिया जाता है। अब बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। तो जब पार्टनर रिटायर हो रहा होता है तो उस वक्त, अब ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि गुडविल की एकदम एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताई जा सकती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल की, तो उसका हम अनुमान लगाते हैं। तो उसके लिए कैलकुलेशन की कुछ टेक्निक है जो पीछे के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो गुडविल है वो तीन तरीके से वैल्यूएशन की जाती है, एक एवरेज मेथड है, एक सुपर प्रॉफिट मेथड है, एक कैपिटलाइजेशन मेथड है। इन तीनों तरीके से हम गुडविल का अनुमान लगाते हैं। ठीक है, और उसी अनुमान के आधार पर रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल में हिस्सा दिया जाता है। ठीक है, तो अब रिटायरिंग पार्टनर को हिस्सा दिया जाता है तो उसके लिए हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे। ठीक है, उसको उसके प्रॉफिट शेयर में गुडविल का हिस्सा दिया जाएगा, जो उसका प्रॉफिट का रेशियो होगा उसी के हिसाब से उसको गुडविल में हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है, टोटल फॉर्म की जो गुडविल निकलती है उसमें से उसका हिस्सा निकल के उसको दे दिया जाता है। ठीक, ये हिस्सा कौन देगा इसकी बात आती है। जो गुडविल वो लेकर जाएगा वो पे कौन करेगा? तो रिमेनिंग पार्टनर पे करेंगे, रिमेनिंग में भी वो पार्टनर जिन्होंने रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा प्राप्त किया है। जिन्होंने प्राप्त नहीं किया है उसको गुडविल पे करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि गुडविल का पेमेंट प्रॉफिट शेयर के आधार पे होता है, तो जिसने प्रॉफिट छोड़ा उसको तो गुडविल मिलेगा और जिसने प्रॉफिट शेयर प्राप्त किया वो देगा। ठीक है, तो रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल में हिस्सा मिलता है और जो रिमेनिंग पार्टनर है उनमें से जिन्होंने रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा प्राप्त किया है, गेन किया है, उसको गुडविल में हिस्सा देना पड़ता है। ठीक है, तो अब इसको हम एक तरह से जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करते हैं, जर्नल एंट्री के रूप से दिखाते हैं।
उसकी एंट्री कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो ये हमारा सेकेंड एडजस्टमेंट है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब इसमें इसका जो प्रोसेस है, जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने पे आएंगे तो इसका प्रोसेस फॉलो करते हैं हम जनरली। ये हमारा स्टेप वन हो जाएगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मतलब सबसे पहले पूरे फॉर्म की गुडविल हमको निकालनी पड़ेगी। अब ये अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमको निकालने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं दिया हुआ है तो हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप में उस जो गुडविल हमने पूरे फॉर्म का निकाला है उसमें से रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा निकालेंगे। कैसे हिस्सा निकालेंगे, तो टोटल गुडविल गुडविल को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके प्रॉफिट शेयर से। तो हमारा रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल का हिस्सा निकल जाएगा। ठीक है, थर्ड स्टेप में कैलकुलेट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स। अब पार्टनर रिटायर हो रहा है तो इससे पहले वाला जो हमने एडजस्टमेंट पढ़ा है यानी कि एडजस्टमेंट नंबर वन, उसमें हमने गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो जान लिया है। तो उस हिसाब से हम सभी पार्टनर्स का गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो जब हमको पता चल जाएगा तब हम आएंगे स्टेप फोर में। स्टेप फोर होगा हमारा मल्टीप्लाई गुडविल ऑफ फॉर्म विथ गेन और सैक्रिफाइस, और उसके नीचे मैंने और भी लिखा है मल्टीप्लाई गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर विथ गेनिंग रेशियो। तो इन दोनों में से कोई एक काम करेंगे तो आपका अमाउंट सेम ही निकलेगा, अमाउंट में अंतर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये गुडविल ऑफ फॉर्म को, गुडविल ऑफ फॉर्म को मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा हूं गेन और सैक्रिफाइस। तो गेन और सैक्रिफाइस का मतलब जो फ्रैक्शन में आता है उसको गेन और सैक्रिफाइस बोलते हैं। तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे हम आपको गुडविल ऑफ फॉर्म को, और अगर हम रेशियो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गेनिंग रेशियो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर यूज करेंगे गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, अगर गेन सैक्रिफाइस जो फ्रैक्शन में आया उसका यूज कर रहे हैं तो गुडविल ऑफ फॉर्म यूज कीजिए, और अगर गेनिंग रेशियो यूज कर रहे हैं तो गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर का यूज कीजिए, उसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये दोनों में से कोई एक काम करेंगे तो आपको जो हिस्सा है, जो पैसा दे रहा है रिमेनिंग पार्टनर, जो गेनिंग पार्टनर है वो जो हिस्सा दे रहा है वो निकल जाएगा आपका। ठीक है, वो निकलने के बाद आप जर्नल एंट्री करेंगे स्टेप। तो जर्नल एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे कुछ बच्चों के सवाल आते हैं, सर बहुत जगह पे तो ये बताया जाता है कि ऊपर आप कंटिन्यूइंग पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर का लिख दीजिए और नीचे रिटायरिंग पार्टनर। नहीं, ऐसा करना उचित इसलिए नहीं है क्योंकि कभी कभी रिमेनिंग पार्टनर जो होते हैं उनमें से भी कुछ पार्टनर का सैक्रिफाइस होता है, तो हमेशा सैक्रिफाइस को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट में ही जाएगा। तो अगर रिमेनिंग पार्टनर में से किसी ने सैक्रिफाइस किया है तो उसको हम क्रेडिट में दिखाएंगे। ठीक है, और जो गेनिंग पार्टनर होगा सिर्फ उसी को हम डेबिट में दिखाते हैं। तो हम रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ पे कैपिटल की जगह करेंट अकाउंट भी यूज हो सकता है अगर कैपिटल फिक्स्ड हो। ठीक है, तो गेनिंग पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो ये है आपके स्टेप्स गुडविल के जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसके लिए। ठीक है, अब इसके आधार पे क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन को अच्छे से समझ के क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये हमारे स्टेप्स हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन करने से पहले एक छोटी सी बात और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बुक्स में जो गुडविल अपीयर होते हैं, जो बुक्स में पहले से शो हो रहे हैं गुडविल, उनको राइट ऑफ कर दिया जाता है। रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है तो अब इसका भी कभी कभी सवाल आता है कि सर जो बुक्स में गुडविल है उनको क्यों राइट ऑफ करेंगे। तो क्या होता है कि गुडविल जो होता है फर्म की, फर्म का नाम की वजह से है, तो एक तरह से फर्म में बदलाव हो रहा है,
फर्म में रिलेशनशिप बदल रहा है, एक पार्टनर जा रहा है, तो ये मान के चला जाता है जो पुराना वाला अगर एग्जिस्टेंस है गुडविल का वो खत्म हो जाएगा और नया गुडविल फिर से शुरू होगा जनरेट होना, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको राइट ऑफ कर देते हैं, और उसमें से राइट ऑफ सभी पार्टनर्स के बीच होता है ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो उसके लिए भी एंट्री का यूज होता है, ये एंट्री हम तभी करेंगे जब कोई गुडविल बुक्स में अपियर हो रहा होगा। मतलब अगर कोई गुडविल बुक्स में अपियर हो रहा है तो उसको हमको राइट ऑफ कर देना है, किस रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो में। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है, ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। यहां वाली जो एंट्री है ये गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में होती है, ठीक। तो ये एंट्री हो जाएगा। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है हिडन गुडविल का। हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के भी समय पढ़ा था कि जो पैसा एडमिशन लेने वाला पार्टनर दे रहा है अगर वो उसके जो शेयर पर रहा है उससे ज्यादा पे कर रहा है तो वो हिडन गुडविल होता है, ठीक है। तो उसी तरह यहां भी है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका जितना अमाउंट बनता है उससे ज्यादा पैसा हम उसको पे कर रहे हैं तो वो हिडन गुडविल होता है, ठीक है। तो अमाउंट पेड टू रिटायरिंग पार्टनर इन एक्सेस ऑफ अमाउंट पेबल टू हिम इज कॉल्ड हिडन गुडविल, ठीक है। मतलब कि एक रिटायरिंग पार्टनर को उसके दे राशि से ज्यादा राशि का जब भुगतान किया जाता है तो उसे छिपी हुई ख्याति हिडन गुडविल कहते हैं, ठीक है। तो उसमें भी जो गुडविल का अमाउंट होगा उसको फिर हम इसी रेशियो में गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में बांट लेंगे, ठीक है, क्योंकि जो पार्टनर जा रहा है उसका ऑब्वियसली सैक्रिफाइस है तो वो क्रेडिट में आ जाएगा, जो रिमेनिंग पार्टनर में जिनको गेन हुआ है वो डेबिट में आ जाएंगे, ठीक है। तो उस गुडविल के साथ फिर हम एंट्री करेंगे। ऐसी स्थिति में जनरली क्या होता है, गुडविल पोर्शन में नहीं दिया होता है तो यहां से निकल जाएगा और फिर हम उसको वहां पे बांट देंगे। तो फिर आपको ये स्टेप्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या है, हिडन गुडविल के केस में आपको वैल्यूएशन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यूएशन वही पे हो जाएगा, जितना अंतर है वही गुडविल निकल जाएगा रिटायरिंग पार्टनर का, ठीक है। उसके बाद आपको शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये निकल गया हमारा, ठीक है। हाँ, हमको क्या करना पड़ेगा, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा और उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो हिडन गुडविल निकलेगा उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमको पता चल जाएगा कि कौन सा पार्टनर कितना पैसा दे रहा है, उस हिसाब से फिर ये एंट्री कर लेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम और फिर तो क्वेश्चन है, तो ए बी और सी तीन पार्टनर है जिनका रेशियो 4-3-2 है, बी उसमें से रिटायर हो जाता है और बी के रिटायरमेंट के बाद ए और सी का न्यू रेशियो 5:3 है, ठीक है। गुडविल का जो वैल्यूएशन है वो 72,000 पे किया गया, यहां पे गुडविल का वैल्यूएशन दे दिया तो हमको स्टेप वन करने की जरूरत नहीं है जिसमें हम गुडविल का वैल्यूएशन करते थे, तो गुडविल का वैल्यूएशन दे दिया है और हमको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करनी है। तो जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है उसमें मैंने आपको स्टेप वन तो जो बताया था वो तो क्वेश्चन में पहले ही दे दिया, तो स्टेप टू बताया था कि उसमें से रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा निकाल लेंगे, तो बी शेयर इन गुडविल 72,000 × 3/9 24,000, ठीक है, ये निकल गया बी का हिस्सा। थर्ड स्टेप जो मैंने आपको बताया था कि गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, तो गेन ए का और सी का, ए का न्यू रेशियो है 5/8, सी का है 3/8 -4/9 और इसमें -2/9,
अगर हम फ्रैक्शन में गेन और सेक्रीफाइस की बात करें तो दोनों को हुआ है, एक को हुआ है 13/72 और एक को हुआ है 11/72, 13/72 एंड 11/72। अब अगर इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे तो रेशियो आ जाएगा 13:11। ये है रेशियो, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप गुडविल का पूरा अमाउंट लेके बनाएंगे तो आपको गेन यूज करना है, और अगर आप सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा लेके बनाएंगे तो आपको रेशियो यूज करना है। तो इसमें से दोनों तरीके से अमाउंट सेम आएगा, मैं आपको ऊपर करके दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। अगर हम 72,000 का यूज करेंगे तो फ्रैक्शन वाला यूज करेंगे, और अगर हम 24,000 का यूज करेंगे तो उनका रेशियो यानी कि 13/24 करेंगे, 13/11 24 हो गया 24, उसको नीचे लिखा हमने। अब देख सकते हैं दोनों में अमाउंट सेम आया है, कोई भी अंतर नहीं है। तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, अगर आपको गुडविल का पूरे फॉर्म का वैल्यू यूज करना है तो आप सिर्फ गेन यूज करेंगे जो फ्रैक्शन में होता है वो, और अगर आपको सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा यूज करना है तो आप गेनिंग रेशियो का यूज करेंगे, ठीक है। जो अमाउंट आएगा उससे जर्नल एंट्री होगा, तो यह है आपका जर्नल एंट्री। तो ये है आपका पूरा सॉल्यूशन और क्वेश्चन। अभी हिडन गुडविल का हम क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर ये कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये है आपका क्वेश्चन, ए बी और सी तीन पार्टनर है, 1-2-3 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं, उसमें से सी रिटायर हो जाता है। सी के रिटायरमेंट के बाद जो न्यू रेशियो है उनका 1:3 है, 1:3 है, और इसमें कहा हुआ है कि सी को रिटायरमेंट के टाइम पे जितने भी एडजस्टमेंट थे वो सब करने के बाद 2,20,000 पेमेंट करना था, लेकिन ए और बी ने मिलकर उसको 2,50,000 का पेमेंट कर दिया। तो इसमें हम आगे क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहां तो आपको सामने ही दिख रहा होगा कि क्वेश्चन में जो हिडन गुडविल है उसका कॉन्सेप्ट हिडन गुडविल हो जाएगा यहां पे 2,50,000 माइनस 2,20,000, तो आ गया 30,000। 30,000 हिडन गुडविल, ये किसका हिस्सा है, तो ये सिर्फ सी का हिस्सा है। तो यहां पे जो सी का हिस्सा दिया हुआ है तो हमको गेनिंग रेशियो लेके बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं, तो गेनिंग रेशियो यहां पे आ जाएगा 1:5। अब इसमें उस गुडविल को हम बांट देंगे, एंट्री कर लेंगे अब इसके बाद। तो ये है आपका हिडन गुडविल का सॉल्यूशन। अब इस कॉन्सेप्ट में या पीछे जो मैंने कोई कॉन्सेप्ट बताया है उनमें से किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम के पेज पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें और आगे अपडेट पाते रहने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।